हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। सो आज की रीडिंग जो होने वाली है ये है राशिफल आप लोगों के लिए जो मैं पोस्ट करने जा रही हूँ। इसमें हम देखेंगे 21 अक्टूबर से 3 नवंबर तक आप लोगों के लिए ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है। मोस्टली हम लोग जो है आप लोगों की ओवरऑल एनर्जीज के साथ आपकी लव लाइफ पे फोकस करते हैं, प्लस आपके लिए जो जो एनर्जीज कार्ड बताती है हम आपको डिस्क्राइब करते हैं। सॉरी फंबल कर गई, सो डिस्क्राइब करते हैं इस रीडिंग को। आप कैसे कंसिडर कर सकते हैं, देखो नाम के अनुसार देखो तो ज्यादा अच्छा, लेकिन ओवरऑल अगर आप चाहें सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, लग्न राशि, डेट ऑफ बर्थ, नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि टैरो में इस तरीके से कोई एनर्जी नहीं रहती कि भाई एस्ट्रोलॉजी ये जो है आपको नाम के अनुसार ही देखनी है, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार ही देखनी है, आप जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये रीडिंग जो है पिछले 2 हफ्तों के लिए रहेगी, आने वाले जो 2 हफ्ते हैं उसके लिए रहेगी। अपकमिंग संडे में लाइव होने वाला है, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको बेल आइकन दबाकर रखना है, सब्सक्राइब करके रखना है चैनल को, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं संडे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे अटेंड कर सकें, क्योंकि लाइव Q&A बड़ा मजेदार होता है, उसे मिस ना करें। मेंबरशिप क्लब के लिए स्पेशल लाइव होते हैं, उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें, वो डेफिनेटली चार्जेबल होता है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसमें क्या बेनिफिट होता है, उसमें ऐसा होता है कि इतने लाइव में इतने सारे लोग होते हैं, सबके आंसर्स दे पाना मुश्किल हो जाता है, पर मेंबर्स के ऑप्शन में आपको लगभग आंसर मिल जाते हैं। मैं जब लाइव आती हूँ तो आप लोगों को आंसर मिल जाते हैं, क्योंकि कम लोग होते हैं, समझो उसमें जवाब देना आसान होता है, ठीक है, डिटेल रीडिंग भी हो जाती है, तो इसीलिए मेंबरशिप क्लब ज्यादा बेनिफिशियल है। बट आपकी अपनी चॉइस है, आप दोनों ही ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। लाइव Q&A फ्री भी रहता है और मेंबरशिप वाला ऑप्शन भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाती है, इसी चैनल पे लाइव होता है, ठीक है। सो ये नेक्स्ट 2 वीक्स की हम लोग जो है रीडिंग आप लोगों के लिए डाल रहे हैं। यदि आपको अपने पर्सनल रीडिंग रिलेटेड अप्रोच करना है तो व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप अप्रोच करें। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, किसी भी कारणवश फ्री नहीं की जा सकती, आपको उसके चार्जेस जानने हैं तो व्हाट्सएप के DP पे ही चार्जेस लिखे रहते हैं। अगर आपको अफोर्डेबल लगे तो आप उसे बुक करवाने के लिए पे करते हैं और स्क्रीनशॉट भेजते हैं मेरी टीम को, तभी वो आपकी बुकिंग लेते हैं। उसके अलावा आपको अगर वो लग रहा है कि बहुत ज्यादा महंगा है, एक्सपेंसिव है और हमारे लिए ये अफोर्डेबल नहीं है, तो दीदी कोई और ऑप्शन, तो आप लोगों के लिए वेबसाइट का भी ऑप्शन है www.thedivinetarotonline.com, आप वहां विजिट कर सकते हैं। वहां पे भी आप अपनी तरफ से खुद कार्ड अपना जो है पिक कर सकते हैं अपने टॉपिक के अनुसार और अपनी रीडिंग खुद चेकआउट कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप जैसे चाहे वैसे उस रीडिंग को देख सकते हैं। कुछ सिलेक्टेड ऑप्शंस जो है चार्जेबल हैं, जो 99 रुपीज में ही है, जो कि मंथली सब्सक्रिप्शन चार्जेस होंगे, ठीक है। उसके अलावा मेंबरशिप क्लब में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आया आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपको क्या लगता है कि राशिफल में और क्या क्या चीजें एड ऑन होनी चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप लोग किसी प्रकार के डोनेशन करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स का इस्तेमाल करके आप डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी रीडिंग शुरू करते हैं। अब बारी है सिंह राशि की, देखेंगे सिंह राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 21 अक्टूबर टू 3 नवंबर। सिंह राशि वालों के लिए 21 अक्टूबर टू 3 नवंबर। टावर, फोर ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ वांड्स। सिंह राशि वालों, आप लोग किसी तरीके के बहुत बड़े लॉस से गुजर रहे हो ऐसा दिखाई दे रहा है, कोई तरीके का स्ट्रेस है। अब ये लॉस या तो आपके रिलेशनशिप में आपको हुआ है या आपके करियर में किसी तरीके का लॉस हुआ है, जो पास में मुझे रिसेंट पास में दिखाई दे रहा है। इससे कहीं ना कहीं आपके सोच विचार करने की एनर्जी चेंज हो चुकी है, ऐसा दिख रहा है। पिछले कुछ टाइम में आप बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे स्टेजेस से गुजरे हो, ऐसे ऐसे संघर्षों से गुजरे हो, जिसके वजह से आपने कुछ लेसन्स लर्न किए हैं और उनसे कुछ सीखकर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इमोशनल बैलेंस आपके अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है इस टाइम फ्रेम में, ऐसा दिख रहा है कि इमोशनली आप अपनी जो फीलिंग्स हैं उसे बैलेंस करना सीखेंगे, कितना बोलना है, कितना ज़रूरी है, कितना रिएक्ट करना है, कितना एक्सप्रेस करना है, इस बारे में सोच विचार करते नजर आ रहे हैं इस टाइम पे। ना वो टाइम फ्रेम दिख रहा है जहाँ पर आप अपने पास्ट को देख के सोच रहे हैं कि यार मैंने कितनी गलतियाँ करी है, कितनी सिचुएशन में मेरे से कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई है, और अब उस मिस्टेक को मुझे कैसे चेंज करना है, सुधारना है। हालांकि इन चीज़ों के बारे में आप दूसरों से बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने अंदर ये चीज़ें रख रहे हैं। आप में से बहुत से लोग कुछ ऐसे मेजर स्टेप्स ले रहे हैं कि अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस आ सके, जैसे कि बहुत समय से अगर आप लोग जो है लाइक बाहर ज़्यादा घूमना चाहते थे, कहीं ट्रैवल करना चाहते थे, बहुत समय से सिर्फ सोच रहे थे, तो अपनी ट्रैवलिंग को लेकर आप कुछ तरीके के प्लान्स बनाएंगे, जैसे टिकट बुक कर देंगे या वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई करेंगे। आप में से कुछ लोग लव वगैरह में अगर कहीं स्टक हैं तो वो कोई मूवमेंट लेंगे, लाइक लव में कैसे आप जिंदगी में आगे बढ़ा जाए, सिंगल है तो
अदर प्रपोजल्स देखना शुरू करेंगे, लॉजिकल सोचना शुरू करेंगे, और अगर आप किसी के साथ लाइक कमिटेड है तो उस रिलेशनशिप को कैसे बेहतर बनाना है इसके बारे में सोचेंगे। बेसिकली आप अपने पास की एनर्जी से कुछ सीखकर अपनी जिंदगी में आगे कैसे चीजें चेंज करनी है उसके बारे में आप कुछ प्रयास करते नजर आ रहे हैं। करियर फाइनेंस और जॉब बिजनेस में देख लेते हैं क्या एक्सपेक्टेड है आप लोगों के लिए 21 अक्टूबर से 3 नवंबर तक। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 of Swords, बॉटम ऑफ द डेक में 9 of Pentacles। करियर और फाइनेंसिस के हिसाब से देखा जाए तो टाइम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा अबंडेंस है, ग्रोथ है, फाइनेंशियली आप बहुत ग्रो करने वाले हैं। टाइम फ्रेम ऐसा रहेगा जिसमें आप बहुत सारे चेंजेस करके अपने काम में लाइक बिजनेस हो, जॉब में हो, कोई सेल्स है, मार्केटिंग है, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, बहुत अच्छा। लॉजिकल माइंडसेट के साथ कुछ बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज पे काम करेंगे, बहुत ही बड़े लेवल के रिस्क भी लेंगे और उसमें बहुत अच्छी अबंडेंस, बहुत अच्छे लेवल का आपको ग्रोथ लेते हुए मैं देख पा रही हूँ। तो फाइनेंसेस काफ़ी अच्छे होने वाले हैं आपके, और आप में से काफ़ी लोग खुद का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं या खुद का घर खरीदने वाले हैं, और ये बहुत जल्द आप लोगों के दिमाग में प्लानिंग चल रही है या कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं बहुत से जॉब वालों के लिए भी देख रही हूँ कि बहुत सारे जॉब वाले जो रिस्क नहीं ले पा रहे थे, बहुत समय से आप एक कम्फर्ट जोन में जा चुके थे कि नहीं शायद इधर ही मेरी प्रमोशन होगी, फाइनली वो लोग रिस्क लेंगे और एक बहुत बेहतरीन जॉब पाएंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो जॉब वगैरह जो लोग ढूंढ भी रहे हैं ना, नॉर्मली भी न्यू फ्रेश लोग हैं जिनको कोई लाइक एक्सपीरियंस नहीं है, उन लोगों को भी बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। ये टाइम फ्रेम आप लोगों के लिए करियर वाइज और फाइनेंसिस के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। ऐसा दिख रहा है कि आपका दिमाग बहुत तेज चलने की वजह से आपके कार्य बन रहे हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह से जितना हो सके बस दूर रहिएगा, कोई भी बहस या आर्ग्यूमेंट अवॉइड ही करें, ठीक है। जितना हो सके आप फिजूल की चीज़ों में अपनी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट मत करें, लोगों को एक्सप्लेन मत करें आप एग्जैक्टली क्या हैं, क्योंकि किसी को एक्सप्लेन करने से कुछ पता नहीं चलने वाला है। आप अपने कार्य में बिजी रहें, ठीक है, अपनी प्रायोरिटीज सेट करें। यूनिवर्स मुझे बताएं हेल्थ स्टडीज ट्रैवलिंग और लीगल मैटर्स में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है लियो राशि वालों के लिए। हैंगमैन, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 6 of Pentacles। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप ऐसे तो ओवरऑल अच्छे हो बेहतर जा रहे हो, लेकिन एडिक्शन को लेकर थोड़ी दिक्कत है। ड्रिंकिंग हैबिट थोड़ी कम करने की जरूरत है अगर आप ड्रिंक करते हैं बहुत ज़्यादा, या लेजीनेस अगर बहुत ज़्यादा एक जगह बैठे रहते हैं तो ये थोड़ा सा एक्टिव करने की जरूरत है बॉडी को। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि खुद ब खुद बॉडी हील हो जाएगी, नहीं, थोड़ा सा एक्टिव रहने की जरूरत है, नहीं तो क्या होगा ना आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा इससे, ओके। तो लेजी मत रहें, थोड़ा एक्टिव रहें, फिजिकल कोई भी एक्टिविटीज़ करें या वॉक करें या नॉर्मल छोटी छोटी जॉगिंग्स करें। तबीयत इतनी ज़्यादा मेजर मुझे कोई ख़राब होती हुई नज़र नहीं आ रही है, लेकिन हाँ आपके एडिक्शंस बढ़ सकते हैं। एडिक्शन का बढ़ना मतलब ऐसा है कि उल्टा सीधा खान पान आप ज़्यादा, या तो आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक पियेंगे या बहुत ज़्यादा आप जो है गलत चीज़ों का सेवन करेंगे, इससे आपकी सेहत पे बहुत ख़राब असर पहुँच सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, छोटे मोटे माइग्रेन और सर दर्द की शिकायत रह सकती है, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए कहा जाए तो बहुत अच्छा टाइम है, बहुत फोकस रहेंगे, बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे, स्टडीज़ अच्छी जाएंगी, स्कोर्स या रिजल्ट आने हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रैवलिंग की, तो ट्रैवलिंग के मामले में चीज़ें डीले होंगी, इस टाइम फ्रेम में आप ट्रैवल नहीं करने वाले, हाँ लेकिन टिकट ज़रूर बुक होंगी। वीज़ा के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें ज़रूर अप्रूवल मिलेगा। PR, ग्रीन कार्ड रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेड रिलेटेड, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड कार्य हैं वो पूरे ज़रूर होंगे या टिकट ज़रूर आप बाय करेंगे, लेकिन इस टाइम फ्रेम में 21 अक्टूबर से 3 नवंबर तक आप नहीं जाने वाले कहीं, इसके बाद आप में भी जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ लीगल मैटर्स की, तो लीगल मैटर्स वालों के लिए कहूँगी इक्वली दोनों ही म्यूचुअल तरीके से डिस्कस करके मैटर सॉल्व करेंगे। तो जिन लोगों के लीगल मैटर चल रहे थे वो सॉल्व होने वाले हैं, एक दूसरे से दोनों पार्टीज मिलकर एक दूसरे से डिस्कस करके म्यूचुअली उस केस को रफा दफा करेंगे, स्ट्रेस सॉल्व करेंगे और सुलह करेंगे, आपस में पैचअप करेंगे, कोई ऐसी डील करेंगे जिससे दोनों का नुकसान ना हो, ठीक है, दोनों को ही फायदा हो। 6 of Pentacles का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों के प्रॉफिट की बात की जाएगी, दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ केस सॉल्व होगा, ठीक है। लेट्स सी आप लोगों के लिए मैरिड लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, यूनिवर्स मुझे बताएं सिंह राशि वालों के लिए मैरिड लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 21 अक्टूबर से 3 नवंबर। 8 of Swords, 4 of Swords, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्स। जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव जरूर रहेगा, थोड़े से डिस्टेंसेस रहने वाले हैं। ये टाइम फ्रेम में आप लोग दोनों के बीच में एक दूरियां या गैप देखने को मिलेगा। दूरियां और गैप मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के बीच में करियर या फ्यूचर के वजह से ही है, लाइक बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, इमोशनली दोनों एक्चुअली सेंसिटिव दिखाई दे रहे हो, मियाँ बीवी की मैं बात कर रही हूँ।
जो लोग मैरिड है उन लोगों के बीच में दिख रहा है कि इमोशनली दोनों ही इनसेंसिटिव हो, बहुत ज्यादा बात बात पे मन खराब हो जा रहा है, बात बात पे उदास हो जा रहे हो, आप अपने पार्टनर को कुछ शेयर नहीं कर पा रहे हो, आपके पार्टनर आपसे कुछ शेयर नहीं कर पा रहे, सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट रहेगी, जहां पर आप दोनों के बीच में जो कंपैटिबिलिटी होती थी, जो मस्ती मजाक हंसी मजाक होता था, जो एक कंपेनियनशिप होती थी, वो मिसिंग लगेगा इस टाइम पे। ठीक है, थोड़ी सी दूरी का एहसास होगा, लेकिन ये टेम्प्ररी फेज है। ऐसा लग रहा है कि आपके माइंडसेट में सिर्फ फाइनेंसेस या बाकी स्थिति पे ज्यादा आप फोकस करेंगे इसके वजह से, प्लस आपके पार्टनर थोड़ा सा आपके बिहेवियर में बिना बात के ही आपके बिहेवियर को नापसंद करेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ मैरिड लोगों के लिए कहूंगी सावधान हो जाएं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ने के चांसेस आपके हैं, कोई आपसे गलती हो सकती है, और अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप हैं तो ये टाइम फ्रेम में मैं आपको कहूंगी रिस्क बहुत बड़ा है, फंस सकते हैं, बहुत बुरी तरह से अटकेंगे, संभल जाए, थोड़ा सावधानी से आगे बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पर अब बात करेंगे जो लोग सेपरेशन से फेस कर रहे हैं उन लोगों के लिए बताएं, यूनिवर्स जो मैरिड लाइफ में सेपरेशन फेस कर रहे हैं, जो मैरिड है उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, सिंह राशि वाले जो मैरिड हैं सेपरेशन फेस कर रहे हैं 21 अक्टूबर टू 3 नवंबर, स्ट्रेंथ एस ऑफ वॉन्स, किंग ऑफ नाइट ऑफ वॉन्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जो लोग सेपरेशन फेस कर रहे हैं उन लोगों के बीच में सुलह हो सकती है, ये टाइम पे पार्टनर भी और आप भी दोनों इनिशिएटिव ले सकते हैं, किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज हो सकता है दोनों के बीच में, सुलह होने के चांसेस हमें वैसे भी लीगल मैटर में देखने को मिले थे कि यहाँ पर आप दोनों के बीच में म्यूचुअल कम्युनिकेशन होगी, कैसे चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है, दोनों पार्टीज अपनी अपनी बात रखेंगे और उसके बाद उस चीज़ को सॉल्व करेंगे। तो जो सेपरेशन फेस कर रहे हैं, जिनके मैरिड लाइफ में सेपरेशन चल रहा है, उन लोगों के बीच में एक नई शुरुआत होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, यहाँ पर लेट्स सी, बट हाँ, जो लोग सेकंड मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं, जो लोग प्लान कर रहे हैं फॉर सेकंड मैरिज, वो फिर सिंगल्स की जो मैरिड के लिए मैं बताऊंगी उसको आप कंसिडर करना, फिर आप लोगों के लिए ये वाली रीडिंग नहीं है। ओके, सो यूनिवर्स मुझे बताएं लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है लियो राशि वालों के लिए लव लाइफ में 21 अक्टूबर टू 3 नवंबर, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो कांटेक्ट में है मैं उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है, जो लोग इन रिलेशनशिप हैं, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेकर आप दोनों के बीच में थोड़े से डाउटफुल एनर्जी में आप दोनों आएंगे। ठीक है, दोनों के बीच में ऐसी एनर्जी बन रही है जहाँ पर लाइक आप लोग दोनों के बीच में ना बैलेंस नहीं बन रहा है। ओके, बैलेंस की एनर्जी मिसिंग दिखाई दे रही है। आप अपने पार्टनर से किसी तरीके के कन्फेशन का, किसी तरीके के एक्सप्रेस ऑफ लव का, किसी तरीके के फेवर या हेल्प का वेट कर रहे हैं। ठीक है, मे बी आप चाहते हैं कि वो आपके लिए कोई स्टैंड ले या आपके लिए कोई एक्टिविटी करे, कोई एफर्ट डाले जो वो नहीं डाल रहे, जिससे आप थोड़े से उनसे निराश हैं, अपसेट हैं। आप अपने पार्टनर को इस टाइम पे ये भी दिखा सकते हैं, ऐसे चांसेस बहुत स्ट्रांग है जहाँ पर आप उन्हें दिखाएंगे कि मुझे और भी ऑप्शंस मिल सकते हैं, आप इस दुनिया में एकमात्र अकेले नहीं थे जिनके पीछे मैं दौड़ रही थी। यानी कि आप अपने पार्टनर के एटीट्यूड से थोड़ा सा अपसेट हैं, किसी तरीके का बिहेवियर आपको उनका अच्छा नहीं लग रहा है, और आपको लग रहा है वो जो मैंडेटरी स्टैंड लेने चाहिए या जिस चीज़ पे एक्टिवली उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से आप उन्हें लेसन देने की कोशिश करेंगे और उन्हें बताएंगे कि सी इफ मैं मेरे पे आऊँ तो मेरे पास ऑप्शंस क्रिएट हो सकते हैं, आप ऑप्शंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। हाफ ऑफ द लोगों के लिए मैं ये सिचुएशन में ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर सडनली किसी और को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं जिससे आप हर्ट हो रहे हैं, जिसके वजह से आप उन्हें कोई लेसन देने की कोशिश करेंगे या उन्हें इग्नोर करेंगे, थोड़ा सा उनके साथ कोल्ड बिहेव करेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए क्या सिचुएशन है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं सिंह राशि वालों के लिए अक्टूबर 21 टू 3 नवंबर, टेन ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, फाइव ऑफ वॉन्स, बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ कप्स है। सिंह राशि वाले जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ने वाली है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। आपकी लाइफ में आपको चाहिए एक प्रॉपर कमिटेड रिलेशनशिप, एक स्टेबल रिलेशनशिप जिसमें आपको पता हो कि लॉन्ग टर्म कनेक्शन कुछ मिलेगा, कुछ जेन्युइन रहेगा। वहीं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आई मी माई सेल्फ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी सोसाइटी, मेरे आसपास के लोग, इनकी ईगो को आप देख देख के बहुत हर्ट हो रहे हैं, इनके कोल्ड बिहेवियर को देख देख के आप हर्ट हो रहे हैं। दिस टाइम ऐसी एनर्जी बन रही है जहाँ पर अगर आप लोग कॉन्टैक्ट में आ भी गए तो आप लोग दोनों के बीच में बहुत लड़ाइयाँ होंगी, बहुत झगड़े होंगे, और ये झगड़ा कहीं ना कहीं आप ही करेंगे क्योंकि आप इमोशनली अपने पार्टनर से बहुत हर्ट हुए हैं। यहाँ टावर का कार्ड जो दिख रहा है वो आपके पास्ट के स्ट्रगल को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपने इस रिलेशनशिप में फेस किया है, और आप अब थक चुके हैं, इसलिए अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो आप इस व्यक्ति से बहुत नफरत करना शुरू करेंगे, बहुत गुस्सा हो जाएंगे कि भाई इस इंसान ने जब ज़रूरी था तब स्टैंड नहीं लिया, आप इनको माफ़ ना करने की कसम उठाएंगे।
और अगर वाई एनी चांस कॉन्टैक्ट में आते तो आप लोगों के बीच में बहुत लड़ाइयाँ हो जाएंगी, बहुत झगड़े होंगे, जिससे आपको लाइक इस व्यक्ति के बिहेवियर से और दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, लेट्स सी उनके बिहेवियर के हिसाब से, लेट्स सी उनके फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या है। यूनिवर्स सिंह राशि वालों के लिए उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या है अक्टूबर 21 टू 3rd नवंबर। टू ऑफ कप्स, मैजिशियन, टू ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर। यहाँ पर आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस में अगर देखा जाए तो ये व्यक्ति देखो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, पर ऐसे प्यार का क्या करना है जिसमें कोई एक्शन ही नहीं। आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं ना, वो खुद को काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहीं और है, मेरा करियर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरा परिवार मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे बाकी के लोग मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आपको साइडलाइन कर लिया इस व्यक्ति ने। और एक और चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर की तरफ से जो हो रही है वो ये है कि ये व्यक्ति आपको बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली ये चाहते हैं कि आप इनके लिए तड़पें, आप इनके लिए ग्रेव करें, आप इनके लिए पागल हो जाएं, परेशान हो जाएं, आप इनको याद कर करके आहें भरें। लाइक इस तरीके की एनर्जी है कि ये व्यक्ति आपको अपनी तरफ मैग्नेटिक पुल दे रहे हैं बट अपनी तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, ये कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं जिससे आपको कोई कनेक्शन या लव मिल सके, एक तरीके से पैचअप करने की स्थिति भी नहीं बना रहे हैं। आप इस व्यक्ति से बहुत प्यार करते हैं, नो डाउट ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर इनके एक्शंस आपको हर्ट कर रहे हैं। एक तो ये मैग्नेटिक एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, खींच रहे हैं आपको अपनी तरफ, बट आप जा भी रहे हैं तो ये रिश्ते को बेहतर भी करने नहीं दे रहे हैं आपको, तो ये आपको दो मझधार पर ऐसे अटका कर बैठ गए हैं या बैठ गई हैं जिसको आप पसंद नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि इस तरीके का बर्ताव गलत है, तो आप इनकी पास की कुछ गलतियों को देखकर इसके वजह से कोई डिसीजन लेंगे, बाकी आपके पार्टनर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, बार बार एक्सक्यूजेस बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं सिंगल्स के लिए क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, सिंगल्स के लिए मुझे बताएं, सिंह राशि वाले जो सिंगल हैं मुझे बताएं उनके लिए क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है 21 अक्टूबर टू 3rd नवंबर। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, जो लोग सबसे पहले मैं बता दूं कम्प्लीटली सिंगल हैं वो लोग अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे कार्य करने पे फोकस करेंगे जिससे उनकी पर्सनल सेल्फ ग्रोथ हो और ज़्यादा वो बेहतर परफॉर्म कर सके अपनी लाइफ में, जैसे अपनी स्टडीज़ को एक्सेल करने की कोशिश करेंगे, अपनी फिटनेस पे ध्यान देंगे, अपने आप को और बेहतर पर्सन बनाएंगे। जो कंप्लीट सिंगल है, जिनका शादी वादी का कोई इरादा नहीं है, कुछ भी कंपेनियनशिप जिन्हें नहीं चाहिए, वो अपने आप को लाइक कुछ नया सिखाने की ओर लेके जाते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। और आप डिवाइन टाइमिंग पे सब छोड़ेंगे कि जब कमिटमेंट आनी है, जब कुछ होना है वो खुद हो जाएगा, बस आप इस वक्त अपने आप पे फोकस ज़्यादा करेंगे। यहाँ पर बात करूँ उन लोगों की जो लोग क्रश वगैरह के चक्कर में हैं, लाइक किसी को एक तरफा प्यार है, आप किसी को पसंद करते हैं, तो उस क्रश को लेकर आप जो है कहीं ना कहीं उस व्यक्ति से ऑब्सेस ज़रूर हैं, उस व्यक्ति के बारे में सोच ज़रूर रहे हैं, फीलिंग्स बहुत है, लेकिन वो व्यक्ति आपको रिजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर क्लियरली मैं देख पा रही हूँ कि आपकी फीलिंग्स, आपके बिहेवियर, आपकी एक्टिविटी से, कि अगर आप उन्हें कन्फेस भी कर रहे हैं तो वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये व्यक्ति सडनली ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, तो आप उनके बिहेवियर को लेकर बहुत कन्फ्यूज रहेंगे। आपके एक क्रश जो ओवरऑल अगर देखा जाए, आप कॉन्टैक्ट में, नो कॉन्टैक्ट में, व्हाट्सो एवर जो भी आपके क्रश हैं, वो व्यक्ति आपको इग्नोर करते हुए ज़्यादा दिखेंगे, आपकी तरफ कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, बात ज़्यादा नहीं करेंगे, या जो पहले हिंट देते थे वो हिंट भी नहीं देंगे, जिससे आपको बहुत इरिटेशन होगा और आप उस व्यक्ति को अपनी ओर वापस खींचने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे आप अपने सुंदरता पे ज़्यादा फोकस करेंगे, आपके बोल चाल पे, कोई मैनिपुलेशन टेक्निक या मैनिफेस्टेशन, ये सब चीज़ों पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे। तो ऑब्सेशन डेफिनेटली उस क्रश को लेकर दिखाई दे रहा है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा होने वाला है। यहाँ पर बात करूँ वो लोग जो मैरिज के लिए ट्राई कर रही हैं, मैरिज के लिए मैं कहूँगी अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो ये वो टाइम फ्रेम है जहाँ पर आप और ऑप्शंस चेकआउट करेंगे। हालांकि अभी राइट ऑप्शन इस टाइम फ्रेम में आता नज़र नहीं आ रहा, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके दिल को कोई भाग गया, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि प्रपोजल ज़रूर मिलेंगे लेकिन दिल से जुड़ाव या कनेक्शन वाली एनर्जी फिलहाल दिख नहीं रही है। हाँ, लेकिन आप प्रयास पूरे करने वाले हैं, अच्छे से अच्छे प्रपोजल्स ढूंढेंगे, कुछ प्रपोजल्स आएंगे, लेकिन इतना जल्दी आप किसी को हाँ नहीं बोलने वाले। ठीक है, तो काफ़ी टाइम अभी, मतलब ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आप किसी को हाँ नहीं बोलने वाले या लाइक कुछ बात नहीं बनने वाली मैरिज के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं बात करती हूँ एडवाइस की। यूनिवर्स मुझे बताएं सिंह राशि वालों के लिए एडवाइस क्या है 21 अक्टूबर टू 3rd नवंबर। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल। देखो, यू हैव टू बी वेरी लॉजिकल, आपको थोड़ा लॉजिकल और प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। ठीक है, प्रैक्टिकल हो जाओ, लॉजिकल हो जाओ, इमोशनल बिल्कुल मत हो जाओ। इमोशनली आपने जो खोना था वो खो दिया, ठीक है, सब कुछ जो खोया है, संघर्ष, स्ट्रगल आपने फेस किया। देखो, यहाँ पर जो आपका लॉस दिख रहा है वो लॉस हो चुका है, ठीक है, जो खत्म होना था वो हो चुका है,
अब आप उसे बदल नहीं सकते, ठीक है, वो सिचुएशन बदलना नामुमकिन है, ठीक है, उस सिचुएशन को आप जाने दो, रिलीज करो, लेट गो करो, अपनी जिंदगी में ना दिमाग से काम लो, इमोशन से नहीं। इमोशनली आप बहुत कमजोर हो जाते हो, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हो, मेंटली खुद को स्ट्रॉन्गर करो, तभी आप जो है आने वाला बहुत बेहतरीन टाइम और अबंडेंस रिसीव करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। आपकी जिंदगी में आप बहुत बेटर बेटर डिजर्व करते हैं, आपको बेटर मिलेगा। इस वक्त क्या हो रहा है ना, आप टू माइंडसेट में हैं, आप डिसाइड नहीं कर रहे हैं, इमोशनली बहुत ज्यादा मतलब सेंसिटिव एनर्जी में ज्यादा, इमोशनली ज्यादा सोच रहे हैं, लॉजिकली नहीं सोच रहे। थोड़ा लॉजिकली सोचने की जरूरत है। आपके आने वाली लाइफ में बहुत अबंडेंस और ग्रोथ दिखाई दे रही है, बहुत सारी हैप्पीनेस दिखाई दे रही है। यू हैव टू बिलीव यूनिवर्स, आपको यूनिवर्स पे विश्वास करके, ट्रस्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों के लिए लकी कलर कौन से रहेंगे? लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा ग्रीन, स्काई ब्लू और उसके अलावा येलो। और उसके अलावा आप लोगों के लिए इस टाइम फ्रेम में अगर हो सके तो, आई एम नॉट सेइंग कि आपके पास मैंडेटरी ये होना ही चाहिए, एडवाइस है, सजेशन है, हो सके तो आपके पास छोटे छोटे गोल्ड के कॉइन्स आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। अगर आपके पास गोल्ड के कॉइन्स हैं, कोई सिक्के हैं, तो अपनी तिजोरी में या अपने ड्रॉवर या शेल्फ में जहाँ पे सेफ रह सके वहाँ रख दें, उससे आपकी और ज़्यादा ग्रोथ होगी। यदि आपके पास कोई गोल्ड के कॉइन्स नहीं हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, माता की जो छोटी छोटी शेल्स आती हैं, सी शेल्स बोलते हैं, कौड़ियाँ कहते हैं, कौड़ियाँ, वो छोटी सी कौड़ियाँ हाथ की मुट्ठी में आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगी। आई एम नॉट सेइंग कि वो सिर्फ माता के लिए या हिंदू रिचुअल्स में ही माने जाते हैं, आप बस वो कौड़ियाँ मांगेंगे आपको मिल जाएंगी, इजीली आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी, वो आप मुट्ठी भर लेकर अपने किसी ड्रॉवर या किसी तिजोरी या शेल्फ में रख दें। फ्राइडे के दिन रखें, किसी भी टाइम रखें, मेंसेस में नहीं करना है, ओवरऑल किसी भी दिन आप कर सकते हैं, मतलब फ्राइडे के दिन करें और ओवरऑल सारे लोग कर सकते हैं, प्रेगनेंसी में भी कर सकते हैं, इससे आपकी लाइफ में और अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। लकी नंबर्स में आप लोगों के लिए कहूँगी नंबर 4, नंबर 1, नंबर 10, नंबर 11 आपके लिए लकी नंबर्स रहेंगे। लकी डेज अगर आप लोगों के लिए मैं देखूँ तो सैटरडे का दिन, संडे का दिन, आप लोगों के लिए ट्यूजडे का दिन बहुत स्ट्रांगली अच्छा रहेगा, ठीक है। ये थे आप लोगों के लिए आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पे मिल जाती है। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।